हाय, वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान दीजिएगा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 92,61,000 मीटर क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। तो हमें क्या करना है कि इस क्यूब का साइड निकालना है जब इसका वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। तो यदि वॉल्यूम पता है तो आप साइड निकाल सकते हैं बाई यूजिंग इट्स फार्मूला। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। वी हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ इज गिवन एज 92,61,000 मीटर क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइड को मान लेंगे कि साइड कुछ है, ठीक है। तो ले ए मीटर, देन ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब है। ए क्यूब इज इक्वल टू दिस मच जो यहाँ पर दिया हुआ है, 92,61,000 मीटर क्यूब। तो अभी यूनिट को हम हटा सकते हैं, यूनिट को रखने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर कि क्यूब रूट ले लेंगे बोथ साइड्स में। द टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट, सो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा ए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यदि आप क्वेश्चन नंबर 8 देखे होंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर होगा। यहाँ पर फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। तो यदि फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, लेट अस फैक्टराइज हियर। ओके, तो इनके फैक्टर्स को यहाँ लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7 और यहाँ पर है क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए की वैल्यू, देखिए यहाँ पर 2 का बन रहा है, 5 का, 3 का और 7 का, मीन्स 2 × 5 × 3 × 7 इट इम्प्लाइज ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30 and 30 × 7 = 21, 21 = 210 मीटर। सो आपका जो आंसर हो जाएगा इतना मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यूब रूट ले लिए थे इसलिए यहाँ मीटर क्यूब नहीं रहेगा बल्कि मीटर रहेगा केवल। और यहाँ पर वैसे भी एज निकाल रहे हैं तो एज तो मीटर में ही होता है यूनिट ना, तो इस हिसाब से आप जो है इतना आंसर लिख लेंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिल सकती है जैसे जैसे मैं अपलोड करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।